आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरएलसी सीरीज सर्किट। इससे पहले हम लोग आरएल सीरीज सर्किट पढ़ चुके हैं, आरसी सीरीज सर्किट पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जो है आरएलसी सीरीज सर्किट पढ़ेंगे, यानी कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर हम लोग रेजिस्टेंस, इंडक्टर को और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को सीरीज वे में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके इसे एसी सोर्स के साथ लगा देते हैं। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से आरएलसी सीरीज सर्किट बन जाता है, जिसमें ये हमारे पास इससे एक एसी सोर्स है, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर जो है, और ये हमारे पास कैपेसिटर है। तो एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो इंडक्टर कैपेसिटर सीरीज वे में एसी सोर्स के साथ कनेक्ट हो, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास आरएलसी सीरीज सर्किट है। जिस तरीके से अभी तक हम लोग आरएल सीरीज सर्किट और आरसी सीरीज सर्किट के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ते आए हैं, इसी तरीके से आज हम लोग जो है आरएल सीरीज सर्किट के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब कि हमें ये मालूम है कि अगर रेजिस्टेंस को अगर हम एसी सोर्स के साथ लगा दें तो इस पे क्या इफेक्ट होता है कि हमारी जो करंट और वोल्टेज है उस सर्किट की, वो इन फेज रहते हैं, उनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जो इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो लीड कर जाता है और हमारा जो करंट है वो अपनी जगह पे रहता है, यानी कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस आ जाता है, वो पाई बाय टू का आ जाता है। सिमिलरली जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर में हमारे पास ये होता है कि हमारा जो करंट है वो लीड कर जाता है और वोल्टेज के साथ कितने पॉइंट पर लीड करता है या कितना फेज डिफरेंस है जिस पर लीड करता है वो पाई बाय टू है। तो ये जो है हमारे पास कुछ फीचर्स हैं कि किस तरीके से हमारा वोल्टेज हमारे करंट से लीड या लैग करता है या इनके दरमियान कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता। इस चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि ये मेरा करंट आई है और ये मेरा वोल्टेज जो है वो इस सिचुएशन में लैग करता है, क्योंकि करंट लीड करता है ना कैपेसिटर के केस में, और वोल्टेज जो है वो लैग करता है। तो वोल्टेज को चाहे इस सिचुएशन में रखा जाए या इस सिचुएशन में, बात एक ही रह जाती है। अब चूंकि हमें आर एल सी सीरीज सर्किट के कम्बिनेशन के बारे में स्टडी करना है कि अगर इन तीनों को एट अ टाइम एक सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो उस सिचुएशन में हमारे करंट और वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन को आप नंबर वन केस कह लीजिए, इसे नंबर टू केस कह लीजिए और इसे नंबर थ्री केस कह लीजिए। अब इन तीनों केसेस में जो हमारा करंट है उसे हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस ले लेते हैं इस तरीके से, चूंकि करंट जो है वो इसी डायरेक्शन में है, ये हमारा करंट है। दूसरी चीज़ हमें ये मालूम है कि इस फेस में जब बात की जाए, हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, तो उस सिचुएशन में हमारा जो वोल्टेज है वो इन फेस है, और अगर मैं इंडक्टर की बात करती हूँ तो इंडक्टर के केस में हमारा वोल्टेज लीड कर जाता है तो जो कैपेसिटर है उसकी केस में लैग कर रहा है। तो अब अगर मैं अपने कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर के वोल्टेज का डिफरेंस लूँ, यानी कि मैं ये कहना चाहूँ कि मेरे पास वी एल माइनस वी सी है, तो इसका जो डिफरेंस आता है वो ज़्यादातर वैल्यू जो है बड़ी वाली की देती है, यानी कि हमें ज़्यादातर जो वैल्यू मिलती है वो इंडक्टर की मिलती है। दूसरी केस में आप ये इसको इस तरीके से समझ लें कि हम उस चीज़ को ले रहे हैं इसकी वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए जो लीड करेगी। तो कैपेसिटर के केस में तो हमारे पास वोल्टेज लैग कर जाता है, तो हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं कि हम जो लीड कर रहा है जो वोल्टेज, और लीड जो वोल्टेज कर रहा है वो इंडक्टर का वोल्टेज है। इसलिए इसको दूसरे तरीके से, इसलिए मैंने आपको कहा कि वी एल माइनस वी सी का जो डिस्टेंस है ना, जो डिफरेंस आता है इनमें, वो ज़्यादातर वी एल चूँकि बड़ी वैल्यू है इसलिए हम उसे प्रेफर करते हैं, और उसका जो वोल्टेज वो वैसे भी लीड कर रहा है, तो बड़ी चीज़ में से ही हम छोटी चीज़ को माइनस करते हैं, तो इसका वोल्टेज लीड कर रहा है, इसलिए इसे मैंने इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। और हमें ये भी मालूम है, अभी तक हम लोगों ने बहुत से वेक्टर डायग्राम बनाए हैं और उसमें हमें मालूम है कि जो सर्किट के कंबाइंड वेक्टर होता है, या कंबाइंड वेक्टर कह रही हूँ सॉरी, जो सर्किट का कंबाइंड वोल्टेज होता है वी, वो इस डायरेक्शन में आता है और आई के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होता है, जिसे हम थीटा कह देते हैं, और वैसे वी एल और आई के दरमियान जो एंगल है वो पाई बाई टू का आ जाता है। और इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर वे में समझने के लिए यहाँ पे वी एल नहीं, बल्कि मुझे ये लगाना चाहिए कि वी एल माइनस वी सी। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारे पास जो वी एल माइनस वी सी है, यानी कि जो वोल्टेज लीड करेगा उसमें से जो वोल्टेज लैग करेगा, ये हमारे पास लीड करने वाला वोल्टेज है और ये वो वोल्टेज है जो लैग करेगा।
तो हम लोग लीड वाले वोल्टेज में से लैग वाले वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जाहिर सी बात है हमारे पास पॉजिटिव आएगा। जब आंसर पॉजिटिव आएगा दैट्स वाई ये जो मैंने हमारे पास वोल्टेज है इसकी डायरेक्शन को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में बनाया है। जब इसी अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे तो जो हमारे पास सर्किट का वोल्टेज आएगा वो भी इस तरीके से यहाँ पर ही आएगा, नीचे नहीं जाएगा और यहाँ पर ही करंट के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। और यहाँ पर भी हम सिर्फ वी एल नहीं लिख सकते, वो मैंने मिस्टेक कर दी थी कि सिंपल वी एल लिखा था लेकिन हम वी एल नहीं लिख सकते, हमें डिफरेंस लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव में आया था तभी तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों ने लीड की डायरेक्शन में शो किया था। तो हम हमेशा जब इनका कंबाइंड इफेक्ट बनाने के लिए कंबाइंड जब हम लोग आर एल सी सी सर्किट की कंबाइंड की बात करेंगे तो जो इनका वेक्टर डायग्राम हम बनाएंगे उस वेक्टर डायग्राम के अंदर जो हम लोग वोल्टेज लेंगे वो वी एल माइनस वी सी का डिफरेंस होगा और चूंकि डिफरेंस पॉजिटिव में होगा इसलिए हम लोगों ने यानी कि लीड करेगा इसलिए हम लोग जो वोल्टेज की डायरेक्शन है वो अपवर्ड बना देते हैं। अगर इस तरफ ये चीज़ है तो जाहिर सी बात पिछली कुछ वीडियोज़ में और वेक्टर रेजोल्यूशन से भी आपको बताया है तो यहाँ पर भी सेम वी एल माइनस वी सी यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि दोनों अलोंग वाई एक्सिस है तो इसे यहाँ पर भी बना लो और अगर करंट को बनाना चाहते हो तो करंट यहाँ पर आ जाएगा तो ये आपके पास कंप्लीट वेक्टर डायग्राम बन जाएगी। इसे यहाँ पे लिख भी लें कि ये वेक्टर डायग्राम है। अब आ गई हमारी दूसरी बात कि हम लोगों ने इस सर्किट के लिए जो कंबाइंड इसकी जो इम्पीडेंस निकालनी है, कंबाइंड इम्पीडेंस आपको मालूम है कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस का इफेक्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं। अगर मुझे इस तरह के आर एल सी सीरीज सर्किट के बारे में जो उनकी इम्पीडेंस है वो मालूम करना हो तो वो मैं कैसे मालूम करूँगी। एक चीज़ हम लोगों ने जो है लास्ट अपनी वीडियोस में सॉल्व की थी कि अगर मैं इस चीज़ को देखूँगी हमारा जो कंबाइंड वोल्टेज है हमारे सर्किट का वी उसका स्केयर जो है हमारी बेस के स्केयर यानी कि बेस के स्केयर और परपेंडिकुलर के स्केयर के जो है इक्वल आ जाता है यानी कि उसका एडिशन ले तो इस चीज़ की इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे बेस का लेना है, मुझे मालूम है कि ये जो आई चीज़ आ रही है रेजिस्टेंस की वजह से आ रही है यानी कि वी आर जो है वो इज इक्वल्स टू वी आई था क्योंकि दोनों ही इन फेज थे तो ये जो वी आर है ये रेजिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस होने वाला वोल्टेज है और ये वो वाला वोल्टेज है जो कि इंडक्टर और कैपेसिटर के डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर मुझे वी आर का स्केयर ले लेना चाहिए वी आर का स्केयर और यहाँ पर चूंकि ये परपेंडिकुलर है जो कि वी एल माइनस वी सी है तो मुझे यहाँ पर इसका होल स्केयर ले लेना चाहिए यानी कि जैसे कि हम लोगों ने समझा था कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्केयर इक्वल होता है हमारी बेस के स्केयर प्लस हमारे जो परपेंडिकुलर है उसके स्केयर के इक्वल हो जाता है क्योंकि बेसिकली ये हमारे पास एक ट्राइंगल ही बन रही है ना। इस चीज़ को अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा कर यहाँ पर इसी ट्राइंगल के रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने वी का स्केयर इज इक्वल्स टू वी आर के स्केयर प्लस वी एल माइनस वी सी के होल स्केयर के इक्वल लिख दिया। अब हमें ये मालूम है कि ये वी स्केयर तो ऐसे ही रह जाएगा, वी आर चूंकि आई इंटू आर के इक्वल होता है यहाँ पर भी मुझे आई इंटू आर लिखना चाहिए था बल्कि ये तो मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि आई और वी जो है वो इन फेज है बेसिकली तो वी आर जो है वो आई इंटू आर के इक्वल होगा ना लेकिन यहाँ पर वी आर बताने का मतलब ये था कि आई और वी जो है वो इन फेज है। अगर ये हमारा करंट है तो बिल्कुल इसी के इन फेज यहाँ पर हमारा वोल्टेज भी होगा। अब अगर वी आर की बात करूँ तो यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इंटू आर का होल स्केयर आ जाना चाहिए और वी एल माइनस वी सी का होल स्केयर है तो मैं वी एल की जगह जो है वो आई इंटू एक्स एल लगाऊंगी और यहाँ पर वी सी की जगह आई इंटू एक्स सी का होल स्केयर लगा दूंगी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि बजाय इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करने के यहाँ से मैं सिंपली आई स्केयर यहाँ से भी कॉमन निकलता है और यहाँ पर आर स्केयर रह जाता है यहाँ से भी इस पूरी ब्रैकेट के अंदर से भी आई स्केयर कॉमन निकल आएगा बाकी एक्स एल और एक्स सी को यहाँ पर इस तरह होल स्केयर के अंदर ही रहने देते हैं क्योंकि अगर हम होल स्केयर को ओपन करेंगे तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ जाएगा जो कि हमें मालूम है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी जो कि हम नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, हम इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते इसलिए हम लोगों ने सिंपली आई स्केयर को बाहर रख लिया। और यहाँ पर भी हमें मालूम है कि यहाँ जो है ये हमारे पास वी स्केयर रह जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों जगहों पे अंडर स्केयर रूट ले लूँ तो यहाँ पर स्केयर रूट लेने से और यहाँ पर स्केयर रूट लेने से क्या होगा कि पहले मैं स्केयर को बाहर रख लेती हूँ और यहाँ पर आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर। अब मैं इस चीज़ का अंदर अलग स्केयर रूट ले लेती हूँ, इस चीज़ का बाहर अलग स्केयर रूट ले लेती हूँ और ये वी स्केयर ये स्केयर रूट ये चीज़ इससे कैंसिल ये चीज़ इससे कैंसिल तो मेरे पास वी इज़ इक्वल्स टू आई बाकी चीज़ स्केयर रूट के अंदर ही रह जाएगी जो कि आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर है।
तो ये जो आई है इसे यहाँ पर अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि वी डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने बात की है कि हमारे पास ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, और जब वी डिवाइडेड बाई आई आ जाए तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाता है। लेकिन इस केस में ना तो ये वोल्टेज कम्प्लीटली एक रेजिस्टेंस इंडक्टर या कैपेसिटर की वोल्टेज है, बल्कि ये वोल्टेज है कम्बाइंड वोल्टेज ऑफ सर्किट। ये हमारे पास कम्बाइंड वोल्टेज ऑफ सर्किट है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे पास भी कम्बाइंड रेजिस्टेंस होगी। इसे भी हम लोगों को कम्बाइंड रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, और कम्बाइंड रेजिस्टेंस को हमें मालूम है कि हम इम्पिडेंस कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे वी डिवाइडेड बाई आई की जगह आर नहीं बल्कि जेड लगाना पड़ेगा, जिसे हम लोग इम्पिडेंस कहते हैं। क्योंकि ये करंट भी पूरे सर्किट का करंट है जो कि डिवाइड हुआ हुआ है, जो कि इंडक्टर कैपेसिटर और जो है हमारे पास रेजिस्टेंस उनके अंदर डिवाइड है, और वोल्टेज भी उन तीनों का ही वोल्टेज है सीरीज में जो कनेक्ट है। तो ये हमारे पास जो वोल्टेज है ना तो एक चीज़ की एक अप्लाइंसिस का वोल्टेज है और ना ही करंट एक अप्लाइंसिस का वोल्टेज है। जब ये दो करंट है, जब ये दोनों चीज़ें ही पूरे सर्किट की है तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस भी वो अप्लाई करनी पड़ेगी जो उस पूरे सर्किट की हो। उस सर्किट में लगे हुए जो भी अप्लाइंसिस है, चाहे वो तीन से चार हो जाए या पाँच हो जाए, तो मैं उस सर्किट के अंदर लगे हुए हर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस की रेजिस्टेंस को जो है मद्देनजर रखते हुए इम्पिडेंस निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो इम्पिडेंस आ जाती है वो आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी के होल स्केयर के इक्वल आ जाती है। अब तो हमारे पास इम्पिडेंस आ गई। अगर हमें इम्पिडेंस के लिए भी वेक्टर डायग्राम बनानी हो कि इसके लिए वेक्टर डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनाई जाए, तो सिमिलरली हमारे पास जो है सर्किट की वेक्टर डायग्राम के इक्वल आ जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि ये वी आर यानी कि रेजिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस होने वाला वोल्टेज है, जिसमें करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेज होते हैं, और ये वो वाला वोल्टेज है जो हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर के जो है डिफरेंस से प्रोड्यूस हुआ है। तो इसे यहाँ पर मैं एक्सएल माइनस एक्ससी लिखूंगी, जैसे कि अब तक हम लोग करते आए हैं, और यहाँ पर वोल्टेज की बजाय इम्पिडेंस आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं बनाना चाहूँ तो मुझे एक्सएल माइनस एक्ससी बना देना चाहिए, और ये कुछ ना कुछ एंगल पाई है, और जो है एंगल ठीक है, और ये जो चीज़ है हमारे पास पाई बाय टू है, क्योंकि ये वाला वोल्टेज जो था ये हमारे पास पाई बाय टू के डिफरेंस पे लीड कर रहा है। और यहाँ पर भी जो है हमारे पास रेजिस्टेंस आर है, क्योंकि ये वी आर की वजह से प्रोड्यूस हुई थी, और ये जो है ये वी एल और वी सी के डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस हुई है। तो जब भी हमें इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग इम्पिडेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर मुझे इम्पिडेंस के लिए एंगल निकालना हो तो आपको मालूम है कि जैसे अब तक हमने किया है कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा हमें मालूम है कि हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो एक्सएल माइनस एक्ससी है, और हमारे पास जो बेस है वो आर है। तो अगर हमें खाली थीटा मालूम करना होगा तो हम टेन का इन्वर्स ले लेंगे, जो कि एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर के इक्वल आ जाएगा। तो ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, हमें बस बेसिक फार्मूला याद रखना पड़ता है कि जो हमारा वी यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर है वो हमारे बेस के स्केयर और हमारा जो परपेंडिकुलर है उसके स्केयर के इक्वल आ जाता है। अगर ये चीज़ हमें याद है, और दूसरी चीज़ हमें ये याद हो कि ओहम्स लॉ क्या कहता है, यानी कि हमारी बेस क्या कहती है कि वी इज इक्वल टू आई आर है, तो बस ये दोनों रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी सर्किट के लिए इम्पिडेंस निकाल सकते हैं, किसी भी सर्किट के लिए कंप्लीट उसका वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी एक टर्म दी हो और दूसरी टर्म ना दी हो तो आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आपको थीटा निकालना हो तो हमेशा आप टेन इनवर्स ही यूज़ करें, आप कोई भी लॉ लगा सकते हैं। आप यहाँ पर जो है सीकेंड लगा सकते हैं, आप सीकेंड लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा के जो है एंगल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पर मैं कॉस थीटा लगाऊँ तो कॉस थीटा लगा कर मुझे आर डिवाइडेड बाई जेड लगाना पड़ेगा, यानी कि हमारे जो है बेस डिवाइडेड बाय हमारा हाइपोटेन्यूज। तो उसे करके मैं कोस से भी एंगल निकाल सकती हूँ, उसी तरह मैं साइन से भी एंगल निकाल सकती हूँ, मतलब क्या एंगल किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं। बस ये है कि आपको तीन चीज़ दो चीज़ों के बारे में तो पता होना चाहिए, इम्पिडेंस तक आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और आपको ओहम्स लॉ के बारे में आइडिया होना चाहिए। फिर जब उसके बाद आप आगे आ जाते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरीके से एंगल निकालते हैं, तो उस तरीके से आप एंगल भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादा प्रेफर जो है वो टेन थीटा को करते हैं, क्योंकि स्लोप वगैरह निकालने और एंगल वगैरह निकालने के लिए हम लोग
ज़रा उसे उससे हम लोग एंगल निकालना ज़रा आसानी से समझते हैं, इसलिए हम लोग बेसिकली जो है वो टैन थीटा ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी एंगल लगा सकते हैं, आप साइन थीटा लगाकर भी थीटा निकाल सकते हैं और आप कॉस थीटा लगाकर भी थीटा निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिस पे हमारी इम्पीडेंस रेजिस्टेंस बराबर हो जाती है हमारी कैपेसिटिव रेजिस्टेंस के इक्वल। यानी कि ऐसी कंडीशन किसी भी सीरीज सर्किट के लिए या किसी भी सर्किट के लिए जहाँ पर हमारी इम्पीडेंस जो है वो जो हमारी है इंडक्टिव रेजिस्टेंस अगर हमारे कैपेसिटिव रेजिस्टेंस के बिल्कुल इक्वल आ जाती है, तो ये वाली कंडीशन हमारी कहलाती है कि ये रेजोनेंस कंडीशन आ गई है। चूँकि हम RLC सीरीज सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, तो RLC सीरीज सर्किट की सीरीज सर्किट के अंदर जो है ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर XL जो है इक्वल आ जाता है XC के इक्वल आ जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इसीलिए यहाँ पे लिख लेना चाहिए कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिसे हम FR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो FR से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल आ जाता है कि इसका 1/2 pi√L×C। इसे हम इजीली प्रूव करके भी देख सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि हमें मालूम है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आनी है वो XL=XC पे जाके आनी है। XL का हमें मालूम है कि ये ω×L आता है, XC का भी हमें मालूम है कि ये इन्वर्स होता है, तो ये ω×C आ जाता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमें मालूम है कि जो ओमेगा है वो 2π f के इक्वल होता है, यानी कि सिंपल ओमेगा की बात की जाए, और L जो है वो 7 आ जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पर भी हमें मालूम है कि जो हमारा ओमेगा है वो 2π f और ये जो है C 7 आ जाएगा। अब क्यों ना मैं इन दोनों चीज़ों को साथ रखूँ, तो साथ रखने से क्या होगा कि 2π f का स्केयर आ जाएगा और यहाँ पर 1/L C आ जाएगा। अब बाद में क्या होता है हमारे पास यहाँ पर कि मुझे तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशनशिप चाहिए, कि मैं जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो मैं दोनों तरफ जो है स्केयर रूट ले लेती हूँ। अब स्केयर रूट लेने से क्या होगा कि f का तो ये कैंसिल हो जाएगा लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर रह जाएगा, यानी कि f सेपरेट हो जाएगा और 2π जो है वो स्केयर रूट के अंदर रह जाएगा। यहाँ पर भी जो है LC जो है स्केयर रूट के अंदर रह जाएगा। अब ये चीज़ जब यहाँ पर आ जाती है तो मेरे पास जो FR है वो इक्वल आ जाती है 1/2π√LC। और दूसरी चीज़ ये कि ये पूरी चीज़ के ऊपर ही स्केयर रूट था ना, तो सच में ये पूरी चीज़ ही कैंसिल हो जाती है। यहाँ पर बल्कि नहीं आता, सॉरी मैं मिस्टेक कर गई कि हमारे पास तो इस पूरी चीज़ के ऊपर स्केयर रूट था और यहाँ पर स्केयर भी इसका था, तो स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ 2π f रह जाता है, f को सेपरेट कर लिया और 2π वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास जो FR का रिलेशनशिप निकल आता है जो कि 1/2π√LC के इक्वल है। अब हमारे पास जो रेजोनेंस कर्व आता है, रेजोनेंस कर्व जो है वो इस तरीके से हम बना लेते हैं कि ये हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी FR है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, हमारे पास इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी है, हमारे पास कैपेसिटिव रेजिस्टेंस भी है और हमारे पास जो है इम्पीडेंस भी है। हमें मालूम है कि इम्पीडेंस रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास जो है इस सर्किट के अंदर रेजोनेंस कर्व जो है, हम रेजोनेंस कर्व की बात कर रहे हैं, तो रेजोनेंस कर्व की जब बात की जाती है तो रेजोनेंस कर्व के अंदर जो हमारी इम्पीडेंस है वो बिल्कुल पैरेलल आ जाती है FR की। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे जो रेजोनेंस कर्व के अंदर इम्पीडेंस है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की इम्पीडेंस के इक्वल होती है, इसके रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, और ये वो वाली स्टेज होती है इस रेजोनेंस के ऊपर हमारे पास वोल्टेज और हमारे पास करंट जो है इन फेज होते हैं। इसलिए हमारे जो इम्पीडेंस पे अगर हम बात करें तो इम्पीडेंस पे जो रेजोनेंस कर्व के अंदर हमारे पास लाइन है वो बिल्कुल पैरेलल आ जाती है FR के। FR के पैरेलल इसलिए आती है कि एक तो इसकी रीज़न ये है कि जो सर्किट के अंदर हम लोग इम्पीडेंस इस्तेमाल कर रही हैं वो उस वक्त जो है बिल्कुल ही प्योर रेजिस्टिव सर्किट के इक्वल होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि रेजोनेंस पॉइंट पर हमारा वोल्टेज और I जो है वो इन फेज होता है, इसलिए इम्पीडेंस पे हमारे पास लाइन जो है वो पैरेलल आ जाती है। दूसरी चीज़ हमें मालूम है कि जब भी हम लोग फ्रिक्वेंसी को XC के साथ देखते हैं तो वो हमेशा इन्वर्स आते हैं, और जो XL है XC हमारे पास जो है वो इन्वर्स आता है FR के साथ, और ये हमारे पास Z के लिए करवा Z के लिए लाइन आ जाती है, और हमारे पास जो XL है हमें मालूम है कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये हमारे पास XL की जो है वो लाइन आ जाती है जो कि फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है।
इसी रेजोनेंस कर्व के अंदर हमारे पास इम्पीडेंस का भी ना यूं एक इस तरीके से कर्व आ जाता है, ये एक इम्पीडेंस का कर्व आ जाता है जिसे भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कर्व किस तरह तरीके से आता है और इसका फ्रिक्वेंसी के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये वाला जो इम्पीडेंस का हमारे पास आता है, ये वाली जो लाइन है, इसे हम लोग आर भी कह सकते हैं। रेजिस्टेंस होती है जो कि इम्पीडेंस है, इसे आर कह लें या जेड कह लें। ये जेड पे जाकर हमारे पास एक लाइन आती है और इन तीनों के फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हमारे पास एक इम्पीडेंस का कर्व बन जाता है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर करंट और जो फ्रिक्वेंसी है एफ आर उसके अंदर मैं रिलेशनशिप बनाऊँ, तो यहाँ पे जो है रेजोनेंस करंट और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के दरमियान जब मैं एक रिलेशनशिप बनाती हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है कि ये हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू और ये हमारे पास जो है एफ आर की मैक्सिमम वैल्यू है, और हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी ये जो है इम्पीडेंस का कर्व वो इस तरीके से जाता है और जो हमारे पास करंट का कर्व है वो इस तरीके से आता है। ये करंट का कर्व और ये इम्पीडेंस का कर्व। अच्छा, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमारे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के दरमियान, तो अगर मैं अपने वोल्टेज वी नोट को जो है वो कॉन्स्टेंट मान लूँ, तो जैसे मैं कॉन्स्टेंट मान लेती हूँ तो उसके बाद हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे। यानी कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे अगर मैं वी नोट को कांस्टेंट ले लूँ तो मेरे पास आई नोट जो है वो मैक्सिमम होता है, यहाँ पर आई जो है वो मैक्सिमम आ जाता है। अगर मैं वी नोट को कांस्टेंट मान लूँ तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे आई हमारे पास मैक्सिमम होगा। एफ आर से पीछे पीछे हमारा जो करंट है वो एफ आर के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, और एफ आर से जब हम आगे चले जाएं तो हमारा जो करंट है वो एफ आर के साथ इनवर्सली रिलेट करता है। और हमारे पास जो वी एल होता है, वी एल है और वी सी यानी कि इंडक्टर वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज, हो सकता है कि ये जो हमारे पास सोर्स की वोल्टेज है उससे ज्यादा हो जाए। यानी कि मैं इस तरीके से इसे बता सकती हूँ कि मेरे पास वी एल जो है, वी एल या वी सी है वो ज़्यादा हो सकती है हमारे पास जो सर्किट के सोर्स है उससे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो आर एल सी सीरीज सर्किट है इसे हम लोग कहते हैं, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सेप्टर सर्किट है, एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि इसका वोल्टेज उससे ज़्यादा होता है इसलिए इसे हम लोग जो है और भी बहुत सी चीज़ों की वजह से हम लोग कहते हैं कि ये एक्सेप्टर सर्किट है। और इसके अलावा जो हमारे पास इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस में हमारे पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मिनिमम होती है, और ये जो है ये इस पॉइंट की बात की जा रही है जहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बिल्कुल ही मिनिमम होती है, ना होने के बराबर होती है। और इस पॉइंट पर हमारा एक्स सी भी एक्स एल के इक्वल होता है और हमारा जो जेड है वो इक्वल होता है आर के। दस में यहाँ से मैंने जेड रिमूव करके आर लिखा था कि आर लिख लो या जेड लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जेड और आई के, जेड और आई का जो कर्व बनाना हो, किसके दरमियान बनाना हो, हमें जो रेजोनेंस करंट है उसके दरमियान और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के दरमियान बनाना हो, तो वो कर्व जरा इस तरीके का आता है। और इस कर्व के फीचर क्या है कि जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है इस पे हमारे पास करंट जो है मैक्सिमम होता है रेजोनेंस करंट, और उस वक्त होता है जब हम वोल्टेज का जो सोर्स है, वोल्टेज है उसे कांस्टेंट मान लेते हैं। और एफ आर से पीछे पीछे जो हमारा करंट है वो फ्रिक्वेंसी से डायरेक्टली वेरी करता है और एफ आर के बाद उसके साथ इनवर्सली वेरी करता है। तो ये कुछ फीचर्स थे कि हम लोग आर एल सी सीरीज सर्किट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और इसे किस तरीके से इसकी इम्पीडेंस निकाली जाती है, और इसे एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं, और इसका जो वोल्टेज है वो इसके वी एल और वी सी से कम हो सकता है, यानी कि वो ज़्यादा हो सकता है वी एल और वी सी, और इन्हें हम लोग किस तरह से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं कि तीनों चीज़ों को सीरीज में लगा कर इसी सोर्स के साथ जब लगाते हैं तो इसे हम लोग आर एल सी सीरीज सर्किट कहते हैं।